हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग एक्सपी। आज की वीडियो में मैं एक अमेजिंग सोर्स कोड लेके आया हूँ जो कि है सायरी एप्लीकेशन का सोर्स कोड। सो पहले मैं आपको एप्लीकेशन का डेमो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला एप्लीकेशन है, ये एक ऑफलाइन सायरी एप्लीकेशन है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड देखिए पहले फ्लैश स्क्रीन आ रहा है एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 कैटेगरी दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 कैटेगरी दिया हुआ है। यहाँ पे एक नेविगेशन बार दिया हुआ है, यहाँ पे है होम, शेयर ऐप, रेट ऐप, प्राइवेसी पॉलिसी एंड मोर एप्लीकेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे बटन में एक एड्स दिया हुआ है जो कि है एडमॉप का बैनर एड्स। सो मैं पहले ये वाला जो कैटेगरी है, लाभ कैटेगरी है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सायरी आ गया है। यहाँ पे 5 सायरी है, आप जितना मर्जी ऐड कर सकते हैं एंड ये एक ऑफलाइन है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बॉटम में भी एक एड शो हो रहा है। जो इंटरस्टिशियल एड्स का प्लेसमेंट है वो यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीवियस के बटन में दिया हुआ है। यहाँ पे आप अगर 3 बार क्लिक करेंगे, देखिए 1, 2, 3 एंड देखिए 4, जैसे 3 बार के आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एड शो होगा। आप चाहे तो यहाँ पे 4 बार, 5 बार या फिर 2 टाइम्स क्लिक के बाद यहाँ पे एड शो करवा सकते हैं। यहाँ पे भी सेम है, 3 टाइम्स के बाद यहाँ पे एड शो होगा। अगर आप चाहे तो इसको डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। आपको मैं सोर्स कोड में ये वाला जो ऑप्शन है इसको आपको दिखाऊंगा, आप कैसे इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं ये वाला जो शायरी है। एंड यहाँ पे फास्ट, यहाँ पे अगर 2 बार आप क्लिक करेंगे, फास्ट हम लोग लाभ के ऊपर क्लिक किए थे, अभी देखिए और एक बार क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे एक इंटरस्टिशियल एड शो हो रहा है। यानी कि यहाँ पे आप कैटेगरी के ऊपर यहाँ पे 2 बार क्लिक करने पर यहाँ पे एड शो होगा। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है जो कि सोर्स कोड के अंदर है, आप चाहे तो यहाँ पे 2, 3 या फिर हर क्लिक पर यहाँ पे एड्स को शो करवा सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं सोर्स कोड सेक्शन में आपको दिखाऊंगा कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो ये सिंपल एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट, प्रीवियस सब कुछ दिया हुआ है एंड यहाँ पे एड्स आ रहा है। सो ये वाला सोर्स कोड मैं आज लेके आया हूँ। सो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये वाला सोर्स कोड आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जो कि codingxp.in का है। आप चाहे तो codingxp.in यहाँ पर आ सकते हैं या फिर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से सोर्स कोड वाले सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप सोर्स कोड वाले सेक्शन में आएंगे एंड यहाँ पे देखिए ये वाला सोर्स कोड है, सायरी ऐप सोर्स कोड। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हैं ये वाला सोर्स कोड है। यहाँ पे आप इंस्टॉल डेमो ऐप करके इसका जो डेमो वर्जन है उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है उसके बाद आप सोर्स कोड को बाय कर सकते हैं। सिंपली आप ऐड टू कार्ड करेंगे एंड यूपीआई के थ्रू या फिर कार्ड के थ्रू आप इजीली पे कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं ये वाला जो सोर्स कोड है इसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे आप इसको ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आइए देख लेते हैं। जैसे ही आप पे करके डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का आपको एक जिप फाइल मिलेगा, आपको सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैं सिंपली 7-Zip से इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो विनरार से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो मैं सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इस तरह का एक फाइल मिलेगा। इसके अंदर 2 फाइल है, देखिए सोर्स कोड है, देखिए सोर्स कोड है एंड ए है ट्यूटोरियल। देखिए यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। मैं इस वीडियो में मैं आपको वीडियो फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा कैसे आप चेंज करेंगे। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, आप इसको देख के भी कर सकते हैं। सो फास्ट मैं क्या करूंगा, ये वाला जो सोर्स कोड है इसको ऐसे काट करके मैं बाहर लेके जाऊंगा, मैं काट करूंगा एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। देखिए ये वाला है सोर्स कोड। अभी मैं ये वाला जो सोर्स कोड है इसको एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन करूंगा। सो मैं सिंपली एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लूंगा एंड यहाँ से करूंगा ओपन एंड मेरा जो प्रोजेक्ट है वो डेस्कटॉप फोल्डर में है। सो मैं सिंपली डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया हूँ एंड यहाँ से देखिए सायरी ऐप इसका नेम है, मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा एंड ओके के ऊपर प्रेस करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है लोडिंग होने में, सो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको टाइम देंगे लोडिंग होने में एंड ग्रेडल बिल्ड होने में। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए हम लोगों का सोर्स कोड रेडी हो गया है, ग्रेडल बिल्ड कम्प्लीट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला सोर्स कोड है। सो फर्स्ट स्टेप हर सोर्स कोड का एक ही होता है जो कि ये जो पैकेज नेम है इसको चेंज करना। फर्स्ट हम लोग इसका पैकेज नेम को चेंज कर लेते हैं। सो पैकेज नेम चेंज करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक पैकेज नेम पहले लिख लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ com.demo. और मैं कुछ रख देता हूँ जैसे लाभ सायरी। मैं ये वाला पैकेज नेम सिलेक्ट किया हूँ, पहले मैं लिख लिया हूँ क्योंकि जो गलती होने का चांसेस है वो रिड्यूस हो जाए। सो मैं पहले डेमो को कॉपी करूंगा क्योंकि कॉम सेम है, सो उसको छोड़ देते हैं। मैं डेमो को कॉपी किया हूँ, मैं पहले जो गियर का आइकन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड यहाँ से कर लूंगा देखिए ट्री अपीयरेंस एंड यहाँ से जाऊंगा कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेजेस। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए ये सेपरेट होकर आ गया है। सो मैं सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा
एंड यहाँ से करूंगा रिफैक्टर एंड रीनेम एंड ऑल डायरेक्टरीज, एंड मैं जो भी कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दूंगा डेमो एंड रिफैक्टर एंड यहाँ से करूंगा डू रिफैक्टर। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है। नेक्स्ट सेम इसको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी सारी ऐप के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, रिफैक्टर रीनेम ऑल डायरेक्टरीज, जो भी कॉपी किया था इसको पेस्ट करूंगा रिफैक्टर एंड डू रिफैक्टर। अभी नेक्स्ट मैं अगेन ये जो गियर का आइकन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करूंगा, टी अपीयरेंस एंड यहाँ से करूंगा कॉम्पैक्ट मीडियम पैकेजेस। देखिए अभी पहले जैसा हो गया। अभी मैं ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर जाऊंगा एंड जो बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल है इसके अंदर जाऊंगा एंड मैं पूरा इसको कॉपी करूंगा, कॉम डॉट डेमो डॉट लाब साइज इसको कॉपी करूंगा एंड कॉपी एंड यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आईडी है, मैं इसको ऐसे चेंज कर दूंगा। देखिए चेंज हो गया है। अभी मैं सिंपली सिंक नाउ इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगता है सो इसको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। देखिए हम लोग का सिंक कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको सिंपली बिल्ड के ऊपर जाना है एंड यहाँ से कर लेना है क्लीन प्रोजेक्ट एंड अगेन जाना है बिल्ड के ऊपर एंड कर लेना है रीबिल्ड प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों का बिल्ड भी कंप्लीट हो गया है। सो हम लोग का फास्ट स्टेप अभी कंप्लीट हो गया है जो कि है पैकेज नेम का चेंज। सो पैकेज नेम हम लोग का चेंज हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको एक बात दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एड्स कंट्रोल करके है, पहले जो मैं बताया था वहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्लिक्स टू शो एड्स, यानी कि यहाँ पे आप कितना क्लिक के बाद, यहाँ पे देखिए कैटेगरी में कितना क्लिक के बाद एड्स होगा, यहाँ पे देखिए टू लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक बार दो बार अगर क्लिक होगा तो एड्स होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्रीवियस एंड नेक्स्ट क्लिक, यानी कि नेक्स्ट एंड जो प्रीवियस बटन है कितने बार क्लिक होने पर यहाँ पे एड्स होगा, यहाँ पे देखिए फोर लिखा है, अगर आप इसको फाइव सिक्स करेंगे तो उतना बार क्लिक होने के बाद यहाँ पे एड्स होगा। सो आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसको सबको चेंज कर सकते हैं, ये एड्स कंट्रोल के अंदर है। सो ये वाला स्टेप हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको जाना है रेस के अंदर एंड यहाँ से जाना है वैल्यूज के अंदर एंड देखिए यहाँ पे है स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल, इसके अंदर जाना है। अभी देखिए यहाँ पे है एप्लीकेशन का नेम, यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम है लाब शायरी, आप चाहे तो यहाँ पे कूल शायरी कुछ भी कर सकते हैं, मैं मान लीजिए कूल शायरी कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं, ये है एप्लीकेशन का नेम। यहाँ पे देखिए प्राइवेसी पॉलिसी, आप प्राइवेसी पॉलिसी सिंपली ब्लॉगर में क्रिएट करेंगे एंड उसका लिंक यहाँ पे आप डाल देंगे, यहाँ पे है मोर एप्लीकेशन का लिंक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है एडमोप का एड्स आईडी जो कि आपको एडमोप से मिल जाएगा, ये है बैनर का एड्स आईडी एंड यहाँ पे है इंटरस्टिशियल्स का एड आईडी। सो नेक्स्ट स्टेप ये आपको कंप्लीट करना है। सो ये आप इजीली कर सकते हैं, सिर्फ आपको ऐप का नेम चेंज करना है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक देना है, यहाँ पे मोर एप्लीकेशन का लिंक देना है एंड यहाँ पे एडमोप का एड्स आईडी लगाना है, ये वाला स्टेप कंप्लीट होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे कैटेगरी, देखिए यहाँ पे आठ कैटेगरी है, मैं एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आठ कैटेगरी है एंड यहाँ पे देखिए कैटेगरी का नेम दिया हुआ है। यहाँ पे कैटेगरी वन का मतलब है ये वाला कैटेगरी वन, ये है कैटेगरी टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम के हिसाब से ये सब कुछ है। देखिए पहले वन में लाभ है, देखिए यहाँ पे लाभ सेट, तो यहाँ पे आप जिन भी कैटेगरी रखेंगे ये यहाँ पे शो होगा एंड उसी हिसाब से आपको शायरी को ऐड करना है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी वन में, देखिए कैटेगरी वन में लाभ है, यानी कि आपको यहाँ पे लाभ शायरी को ऐड करना है। अभी ऐड कैसे करना है मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। देखिए टू में देखिए यहाँ पे सैड है, तो यहाँ पे आपको सैड शायरी ऐड करना है, आइटम के अंदर आपको ऐड करना है। यहाँ पे थ्री फोर इसी के तरीके से आपको सिंपली शायरी को ऐड करना है। अभी मैं आपको लाभ वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे लाभ शायरी का जो सेक्शन है, यहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आइटम के अंदर जो भी है उसको ऐसे क्लीन कर लूँगा। देखिए क्लीन हो गया है, अभी मैं ये सबको हटा दूंगा, एक ही है अभी एंड ये एम्प्टी है। मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा एंड मैं जितना भी शायरी ऐड करना चाहता हूँ उतना यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। मान लीजिए मैं फाइव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फाइव पेस्ट करूँगा, टू थ्री फोर एंड फाइव, देखिए फाइव में ऐड कर लिया हूँ। अगर आप 30, 40, 50 ऐड करना चाहते हैं पहले आप इसी तरीके से ऐड कर लीजिए ताकि आप आसानी से यहाँ पे शायरी को पेस्ट कर पाए। देखिए मेरा डेस्कटॉप में अभी 5 शायरी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 5 शायरीज है, मैं सबको ऐड करके आपको दिखाता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी करना है, एक को कॉपी लेकिन जाना एंड स्टूडियो पर एंड ये जो आइटम दिख रहा है ना इसके अंदर, देखिए यहाँ पर, यहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट कर देना। देखिए पेस्ट हो गया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक अभी एक हो गया है। अभी नेक्स्ट इसी तरीके से आपको 5 ऐड करना है, मैं 5 को ऐसे ऐड कर लेता हूँ, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। ओके देखिए मैं अभी 5 ऐड कर दिया हूँ, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 5 ऐड कर दिया हूँ लाभ कैटेगरी में। आप यहाँ पे जो भी कैटेगरी ऐड करेंगे उसी सेक्शन में आप सेम तरीके का
शायरी को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे कभी कभी एरर आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कोई साइन है जो कि यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। मान लीजिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे जो एंड का साइन है, एंड यहाँ पे अलाउड नहीं है। देखिए एंड में लिखा हूँ, यहाँ पे रेडेड करके एरर आ रहा है, क्योंकि एंड इसी तरीके से नहीं लिखा जाता। इसको आप सिंपली ऐसे अगर इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे साइन दिखाएगा, आप सिंपली ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए एंड को इसी तरीके से लिखा जाता है। अगर आप यहाँ पे एंड डायरेक्ट लिख देंगे तो यहाँ पे एरर आ सकते हैं। उसी तरीके से और एक है, जैसे कि ए वाला देखिए, ये देखिए एरर आ रहा है। आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे सजेशन कर देगा कि क्या करना है। देखिए इसी तरीके से आपको इसको लिखना है, जो कि एपोस्ट्रोफिस होता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ एरर आ सकते, सो आप यहाँ पे इजीली आप ये सबको सॉल्व कर सकते। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जाके सिंपली गूगल करेंगे कि एंड का जो XML वर्सन है वो क्या है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप इजीली ये सबको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे शायरी ऐड हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप जाके जितना भी इमेजेस है ऐप के अंदर आप सबको चेंज कर सकते हैं, ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो यूनिक बन जाए। उसके लिए आप सिंपली ड्रॉएबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे करेंगे ओपन इन एक्सप्लोरर। एंड जैसे ओपन इन एक्सप्लोरर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। आप सिंपली ड्रॉएबल के अंदर जाएंगे एंड देखिए यहाँ पे इमेजेस दिया हुआ है, आप नाम से इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। देखिए कैटेगरी 1 में ये वाला इमेज है, आप सिंपली इसको कैटेगरी 1 में कोई और इमेज रखेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कैटेगरी 1 में मैं ये वाला रखना चाहता हूँ, मैं सिंपली इसको कॉपी करूंगा, ऐसे कॉपी एंड अगेन जाऊंगा यहाँ पर एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट। देखिए आ गया है। अभी मैं सिंपली इसको जो नेम है इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी करूंगा एंड उसके पहले इसको डिलीट कर दूंगा। डिलीट हो गया। अभी यहाँ पे सेम नेम में रख दूंगा। देखिए कैटेगरी 1 में अभी ए वाला इमेज ऐप में शो होगा। इसी तरीके से आप जितना भी यहाँ पे इमेज है सबको आप इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लैश स्क्रीन का यहाँ पे आइकन है, यहाँ पे कुछ लाभ PNG करके है, तो आप जितना भी यहाँ पे इमेज है सबको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शायरी का बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे जितना भी इमेज है आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट में ये वाला जो एप्लीकेशन है इसको एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं हम लोग नेम को चेंज किया है एंड यहाँ पे जो शायरी है उसको चेंज किया है। तो मैं एक बार ये वाला जो एप्लीकेशन है इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। मैं सिंपली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूंगा। पहले देखिए हम लोग का ये वाला एप्लीकेशन था, अभी हम लोग का नया एप्लीकेशन ओपन हो गया है। देखिए कूल शायरी ऐप का नेम चेंज हो गया है एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज था वो भी चेंज हो गया है। आप चाहे तो फ्लैश स्क्रीन का भी इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिंपली ये वाला जो इमेज है देखिए SP आइकन इसको चेंज कर देंगे तो फ्लैश स्क्रीन का जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा। तो आप तो इसको इजीली चेंज कर सकते हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पहले ये वाला था अभी ये वाला है। अभी मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जो ऐप का आइकन है उसको चेंज करने के लिए आप सिंपली ऐप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे एंड यहाँ से करेंगे इमेज एसेट एंड यहाँ से आप ये जो फाइल का आइकन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे। मैं डेस्कटॉप में ये हैंड को मैं पिक कर लेता हूँ एंड सिंपली ओके के ऊपर प्रेस करूंगा। देखिए आ गया है नेक्स्ट एंड फिनिश। अभी मैं इसको रन करूंगा, ये हो गया है। अगर ये वाला प्रोसेस में आपको एरर आ रहा है तो सेम प्रोसेस आप दोबारा करेंगे, सेम ऐप के ऊपर राइट क्लिक करके सेम प्रोसेस को करेंगे तो आपका ये वाला जो एरर है वो हट जाएगा कम्प्लीटली। ये देखिए लोड हो गया है, मैं इसको बैक करूंगा एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐप का जो आइकन है वो चेंज हो गया है। अभी और भी आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आप जाएंगे सिंपली वैल्यूज के अंदर, रेस एंड वैल्यूज एंड कलर्स में जाएंगे, यहाँ से आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। देखिए ऐप के अंदर देखिए यहाँ पे जो कलर्स है ये वाला आप यहाँ से सबको चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। सो इसी तरीके से इजीली आप ये वाला जो एप्लीकेशन है इसको क्रिएट कर सकते हैं एंड यहाँ से एड्स कंट्रोल के अंदर से आप एड्स को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो यही सोर्स कोड था, एकदम सिंपल सोर्स कोड है एंड ये ऑफलाइन सोर्स कोड है। आप इजीली इसको codingxp.in से बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आज का वीडियो यही तक था। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।